जिला ऊना में कैबिनेट मंत्री बीरेंद्र कंवर और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के 253 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया और मुकेश अग्निहोत्री को शेख चिल्ली की तरह सपने देखने की आदत बताया। ग्रामीण विकास पंचायती राज मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री बीरेंद्र कंवर तथा पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने 253 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। ऊना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऊना उपमंडल के 164 तथा बंगारा उपमंडल के 79 छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए। मीडिया से बात करते हुए कंवर ने कहा कि जिला ऊना के 815 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें से 417 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से संबंधित हैं। पूरे प्रदेश में इस योजना से विभिन्न स्कूलों के 8200 विद्यार्थी तथा कॉलेज में पढ़ने वाले 1800 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कंवर ने कहा कि आज इंटरनेट का युग है, लेकिन गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले विद्यार्थी लैपटॉप खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इंटरनेट की मदद से विद्यार्थियों को नई नई चीजें सीखने में सहायता मिलती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया के मंच पर 2022 में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया था, जिस पर बीजेपी ने भी सरकार को आड़े हाथे लिया। कंवर ने इस सवाल पर मुकेश को शेख चिल्ली की तरह सपने देखने की आदत बताया। कंवर की माने तो जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से मुकेश इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अभी वे जान ले कि दिल्ली बहुत दूर है, जब वहां पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।